किसान भाइयों देखिए किस तरह मशीन इन्होंने अंदर की होगी, बेल का जाल तोरी की। हालांकि ये उदास रह रही है, पानी क्यों नहीं गिरते भाई इसमें? भाई पानी वाने का ध्यान ना करा थोड़ा। ये देखिए पर्दा बेल का, ये स्प्रे मशीन है अनुज की। ये अनुज चौधरी हैं धनजू से, और ये इन्होंने घेर है इनका। ये तो स्प्रे मशीन नवी ली थी। अनुज कितने की लीजिए था बताइए इसके बारे में? जी घर आ गया 50,000 रुपये की पड़ी थी। 50 कहाँ से लाए थे? मैं लाया था इसे मीरापुर से, उसके यहाँ से मिस्त्री है वो मीरापुर, नाम निकल गया दिमाग से। तो इसमें चार पाइप लग रही है, जो क्या सिस्टम? ये ऐसा सिस्टम है ताऊ जी, अच्छा आ जाओ। एक तो रोल है पूरा, अच्छा 100 मीटर पाइप है इस रोल में, ठीक। तो एक तो प्रेशर यहाँ से इस रोल में आ रहा है भाई, अगर हमें इस रोल से स्प्रे करनी है तो यहाँ से खोल के ये रोल चल जाएगा, ठीक। माँ के बंद रखो, फिर ये पीछे करना है इसमें ऑटोमेटिक स्प्रे करने के लिए, अच्छा ये आता हूँ, ये करना है दोनों, ये अपना आप स्प्रे करेंगे। मतलब छोटी बोर्ड है, छोटी बोर्ड में ट्रैक्टर को अंदर घुसा लो और 8 फुट इधर छोड़ दो और 8 इधर लेके चलेगी। 8 लेके चलेगी? 8 लेके चलेगी। मतलब ये चौड़ी फैलती है इसकी फुहार? ऐसे चलेगी ऐसे। अच्छा हल्ती चलती है ऐसे? हाँ। ये दोनों गन ये चलाएगा ऐसे, ये गियर बक्सा इसका, ये जैसे टुल्लू पंपों में गियर बक्सा रहता ना। ये टायर रोड सी लग रही है, ये टायर रोड सी है देखो। अच्छा नू हला में ऐसे? हाँ जी ये भाई ये नू हलती है ऐसा, अब हाँ ये समझ गया टायर रोड है। हाँ देखो बबलू चला रहा है टायर रोड, तो रहता तो नहीं खुड़ गई को? नहीं नहीं नहीं, 8 में तो पूरा चलेगी, और 8 से फालतू करना तो और क्या कर लो इसे। अरे वाह 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 वाह, और ये है तो ये इसका गियर बॉक्स, मैं इधर ही आ रहा हूँ। भाई ये इसका गियर बॉक्स है, ये तो बहुत बढ़िया मशीन लगी मुझे। ये गियर बॉक्स है, ये बेल्ट है इसमें, जब ये हमें मान लिया हमें बैग वाली स्प्रे करनी नहीं, अच्छा तो इसे बेल्ट को उतार दो, अब हमें बैग वाली करनी है तो इस पर बेल्ट चढ़ा लो हमारे पंप पे। कल सी ये पंप वो दे दिया जो पहले नलकों पे लगा, हाँ जी टुल्लू पंप पे चल रहा है। और चौखुंडा टैंक है इसमें 500 लीटर का। जी जी ये और टैंक तो महंगा है। जैसा तुमने स्प्रे करी यूं बाकी क्या खोड़ कर दिए इसने? आओ जी 8 इधर ले लो, 8 तो बहुत बड़ा खेत बैठे। अरे 8 में तुम अगर तुम्हें ज्यादा वो है भाई रह जाएगा तो 6 ले लो अपनी मर्जी। 12 फुट का मतलब 11 चला गया, प्रेशर बढ़ जाता हो जी इसका, प्रेशर इतना हाई हो जा, इतना हाई हो जा जैसे यहाँ से ट्रॉली खड़ी है ना इतनी दूर प्रेशर मारा है ये। तो कुल मिलाकर बढ़िया लगी? बेस्ट। कितनी स्प्रे करी होगी तुमने? स्प्रे ताओ जी अब क्या सारी चीज सही करी है, जो मानो 100-150 बीघा में स्प्रे करी। कुछ सुझाव देना चाहोगे कुछ कमी रहेगी इसमें जो, ताकि वो थोड़ा बदलाव कर लें क्या? ताओ जी कमी तो कुछ भी नहीं है इसमें, सारी कमी पूरी कर दी। अच्छा एक चीज और है, जैसे ये हो गया हमारा, अच्छा इसे तो होद्दी में डाल दो, इसे होद्दी में डाल दो, दोनों चीज पानी भरना है। हाँ और उस पाइप को टैंक में डाल दो, जरा सी देर में पानी भर के एक माई कर दे। बहुत ये इतने परेशान किए पाइप किस लिए दिए? ये पीछे पानी पहुँचाने के लाग। अच्छा नीचे के लिए एक तो उसमें 100 मीटर पाइप जो है उसमें जाएगा एक से, मान लिया हमें पाइप से नहीं करना है तो इसे बंद कर दो, निचली गनों से करना है वो गनों का खोल लो तुम। कोई सा बीच में धोखा दिया हो लीक हुआ हो कुछ नहीं? नहीं नहीं वो तो मिस्त्री अपना आप ही वहाँ टेस्ट करके, और मिस्त्री का नाम भी याद आ गया मीरापुर जगबीर मिस्त्री, मीरापुर जगबीर जगबीर बहुत फेमस है, बनाता है। 3 दिन था जी, 3 दिन मेरे मामा है, मामा के थ्रू बनी है, उसमें भी 3 दिन लौट के आया हूँ उनके यहाँ। भाई वाह, जब बेल ढिली है एक्सेप्ट नहीं मारती हूँ? नहीं 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 जी कुछ नहीं। कितनी ढिली चलती? अच्छा, है अच्छा इसमें एक और बढ़िया बात है, मान जैसे ट्रैक्टर से हम चला रहे हैं कोई कोई एक ही पत्ती पर वेल्ड करते हैं जैसे सारी को, अच्छा अगर क्लिच झटके छूट गया सारा सिस्टम बाहर आ जाए टूट जाए। हाँ। टूट जाए, बहुत तकड़ा जुगाड़ बनाया था भाई, इनमें चैनल बनाया इन्होंने, चैनल बनाया बैरिंग बढ़ा के नीचे टी पॉइंट बना दिया, टी पॉइंट बना दिया नीचे। ऐसा वो नहीं है कि बहुत सी शिकायत हो उनको भाई चैनल टूट गया? हाँ हाँ हैंगल ना लेकर चैनल बनाया इन्होंने। हाँ जी भाई ये देखिए फाउंडेशन कितना मजबूत है इसका, और ये बता रहे हैं ये दोनों तरफ हलती है और ये काफ़ी दूर तक। अच्छा एक बार बताओ, जैसे किनारे पे तुम लेके चले स्टार्ट करोगे तो एकदम करोगे दूसरे खेत में जाएगा स्प्रे? नहीं पहले तो दूर चलने के बाद पहले लाके उनमें धोरे वाले खोड़ों में 6 इधर छोड़ के जब खोड़ में पड़ा रहा नहीं, तुम जरा किनारे पे से तुमने शुरू कर दिया खोल दी तो अच्छा। इसका प्रेशर इतना लंबा हो तो पिछले हाँ, खेत में जाएगा? जाएगी जाएगी जी पूरी। तो ये आगे चल या तो, करते हैं या तो फिर प्रेशर कर लो पहले, या तो ट्रैक्टर आगे करो या प्रेशर कम कर लो उसका, प्रेशर अच्छा कम भी हो जाओ। हाँ हाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तुम्हें रेस छोड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा बहुत देखो ये लट्टू है प्रेशर वाला। अच्छा कितने कम बढ़ो कर लो? कितने कम बढ़ती कर लो, ये मीटर है इसका। तो इसमें कुछ छूट मिली नहीं मिली? छूट तो कुछ नहीं मिली इस पर, नीचे छूट सरकार दे रही है, कोई छूट नहीं? नहीं नहीं हमने कराई नहीं वो जुगाड़, हमें जल्दी भी थी कुछ, एक तो
छोटू भाई देखिए चार पाइप वाली स्प्रे मशीन है और एक और था जिसमें फायदा जैसे ये है इसका मान लिया बहुत आदमी वही स्प्रे कर रहे हैं खेतों भाई बेर बेर ढक्कन लगाना है क्योंकि मुंह थोड़ा बड़ा रहा उसमें दवाई निकले इसका मुंह ही इतना छोटा दे दिया कि दवाई बाहर नहीं आने की अच्छा दवाई बाहर नहीं आने की छोटा दिया है छलके नहीं मतलब छलक नहीं छलके का नहीं ढक्कन ही छोटा दे दिया अपने ढक्कन को टाका लग रखा तो मान लिया हमें वही स्प्रे करनी है 12 में रख दो भाई वाह भाई ये बहुत अच्छी लगी ये मीरापुर के जगवीर मिस्त्री की मशीन है इसका नंबर नहीं क्या लिखा हुआ जगवीर का इसमें जगवीर मिस्त्री का इसमें लिखा हुआ पर मैं बोल दूंगा इसमें भाई भाइयों ये अभी और इनके कृषि यंत्र हैं ये बुग्गी बना रखी इन्होंने ये टीलर कहाँ का है ये टीलर पर मैं ये तो हमारे अंकल का है नहीं पता है अच्छा और ये अच्छा ये क्या है ये वो है मटर बोलने का जुगाड़ और ये भाई है हंस वालों की कहेंगे चलती है बढ़िया दोस्तों ये इनकी ट्रॉली है देखो भाइयों हमारे दोराला मिल में ये ब्रांड चलता है इस तरह का साइड 3 फुट ऊंची हालांकि पहले हैंगल की आती थी अब इन्होंने चैनल दे दिया थोड़ा चेंज कर दिया इसको इसमें गोबर का खाद ढोने में बहुत मजा आता है बहुत खाद आता है इसमें चार बुग्गी आ जा डाले ऊंचे हैं ये टूटमा नहीं होती बिल्कुल सीधी होती है और इसको डिग्गे को हाथ से उठाओ यहाँ पिन डाल दो सिंपल होती है बिल्कुल ये ट्रॉली नहीं मरती है ये ट्रॉली जैसा और ट्रॉली ज़्यादा चल जाए अब इसमें 1000 रुपये इसका टायर है हाँ आज गुरुद्वारे के लाख में इसमें 100 कुंटल डस्ट लाया हूँ भरवा के भाई वाह और अपना भागी बहुत मजबूत है नए टायर गिरवा रखे हमारे अभी डलवाए अभी तो बन गई ये कितने कितने पड़ गई हो हमारे दुराला मिल का ये ब्रांड है यहाँ ऐसे चलाते हैं लोग बाग क्योंकि इसमें 40 कुंटल गन्ना यहाँ तक आ जाता है ढांस तक बड़े आराम से और 2-3 फेरों ऊपर रख लो तो 60-65 कुंटल गन्ना हो जा और बीच में चैन डालते हैं वो इस तरह उठा के ले जाती है क्रेन बाजे मिल में छोटी साइड है उसमें डर रहता है हमें तो डर लगता है गन्ने ले जाते हुए क्योंकि रपटने का डर रहता है इसमें भर कर कितनी भगा के ले जाओ तो भाइयों ये हमारे मिल की दोराला मिल की निशानी है तो भाइयों आपको ये स्प्रे मशीन जरूर पसंद आई होगी मैं डिस्क्रिप्शन में जगवीर मिस्त्री मीरापुर वालों का नंबर दूंगा क्योंकि वो हिच और ट्रैक्टर के हिच और स्प्रे मशीन कृषि यंत्र भी बनाता है जगवीर मिस्त्री मीरापुर वाला काफ़ी दिन से उनका मैंने नाम सुना है नमस्कार।